खीरिया गांव में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जवाबी कार्रवाई में बदमाश यहां पर ढेर हुआ है। कस्टडी से भागने के दौरान यहां पर यह मुठभेड़ हुई है। मर्डर के आरोपी शहबाज का एनकाउंटर हुआ है, शाहजहांपुर में मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर। और बातचीत करने के लिए दीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीप, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, अभी एक घंटे पहले यहाँ पर जो आलोक गुप्ता प्रोफेसर थे, इनकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। ये सभी जो है शहबाज, जिसमें मुख्य आरोपी था शहबाज, जिसको पब्लिक ने पकड़ लिया था, और ये दो लोग आरोपियों को जो न्यायालय में पेश करने के लिए आ रहे थे, इसी सब दौरान खिरिया गांव के पास इन लोगों ने भागने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस ने फायरिंग की, और फायरिंग में ये दोनों ने, जिसमें शहबाज जो ढेर हो गया है, और इस मामले में पुलिस कप्तान जो है अभी पीसी करने वाले हैं। और दूसरा ये बताना जरूरी है कि इस घटना की बात यहाँ के व्यापारियों में आक्रोश था। उनका कहना था कि जो आरोपी हैं इनके घर में बुलडोजर चलाया जाए, ताकि जो है जो घटना की है इनके साथ, ताकि इसका बदला लिया जा सके, क्योंकि ये पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी एक सपा नेता की चाकू से गोद कर इसी तरीके से हत्या कर दी गई थी। तो ये डकैत जो थे वो वांटेड थे। बीती रात 2 बजे ये लोग रात में घुसे थे, जहां पर आलोक गुप्ता ने विरोध किया डकैती के मामले में, तो यहां पर इन लोगों ने चाकू से गोद कर आलोक गुप्ता की हत्या कर दी थी। उसमें पत्नी ने विरोध किया तो उनको भी घायल किया, उनके बच्चों को भी घायल किया। करीब 5 लोग जो घायल हैं वो बरेली अस्पताल में। दीप, रोकेंगे बातचीत करने के लिए। आईजी राकेश सिंह हमारे साथ।